हमेशा ये एक मिथ रहता है बायोप्सी करने से पहले पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि मैडम कहीं ये पूरी बॉडी में फैल तो नहीं जाएगा, विच इज़ टोटली आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट ऑल्सो दिस इज कम्प्लीटली मिथ। Hi everyone, this is Vidushi Sharma and you are watching The Good Health Show and today we are going to talk about cancer. As we know कि आज World Cancer Day है and to raise awareness among all the people, we have Dr. Shilpi with us. Hello ma'am, how are you? Hi, I'm good. Ma'am, welcome है आपका हमारे show में, The Good Health Show में, और हम हमेशा बात करते हैं हर एक बीमारी के बारे में, हर एक ऐसी problem के बारे में जिससे जो हमारी ऑडियंस है वो जानना चाहती है, एंड आज जैसे वर्ल्ड कैंसर डे है तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ मिथ्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोग हमसे पूछते हैं और मैं आज आपसे पूछूंगी। सो आई एम होपिंग कि आज बहुत ही इंटरेक्टिव और अच्छा इंटरव्यू होने वाला है। सो मैम, स्टार्टिंग विद मिथ्स ऑन कैंसर, जो हमारे पास सबसे पहला मिथ आता है वो ये है कि इस स्टेज फोर कैंसर इज लाइक 100% डेथ। नो नो, नॉट एट ऑल। सो बहुत अच्छा है कि आपने ये क्वेश्चन रेज किया, क्योंकि एक्चुअली आई मीन यू कांट ब्लेम एनीवन, बट ऑटोमेटिकली कैंसर वर्ड अपने आप में ही एक यू नो यू फील सो स्ट्रेस्ड अबाउट इट। और जब किसी को पता चलता है, पेशेंट को कि या उनके चाहने वालों को कि भाई उनको स्टेज फोर कैंसर है, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि अब तो लाइफ ख़त्म है। एक्जैक्टली, बट एक्चुअल में ये ट्रू नहीं है, क्योंकि देखो क्या होता है कि स्टेज फोर अपने आप में, फॉर मेजॉरिटी ऑफ द कैंसर स्टेज फोर की भी 3 स्टेजेस होती हैं। उसमें स्टेज फोर, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि एक स्टेज फोर होता है जो लोकलाइज्ड कैंसर है और वो इधर उधर आसपास के टिश्यूज़ में चला गया है, बोन में चला गया है और उसको बोन को इरोड कर दिया है, वो कैंसर भी स्टेज फोर है, जबकि वो बॉडी में कहीं पे भी नहीं फैला, लिम्फ नोड्स में भी नहीं गया है। दिस काइंड ऑफ कैंसर इज कम्प्लीटली क्योरेबल। ओके, एक दूसरी तरह पे एक ऐसा कैंसर है जो प्रोबेबली पूरी बॉडी में कहीं फैल चुका है, जिसको हम स्टेज फोर सी कहते हैं। ओके, सो यस, that is the situation that is worrisome, but not all stage 4 cancers you think you know ki that it is going to be the end of life. All it right. is not. So it depends upon the cancer you are having. Yes, cancer site and cancer stage, you know, it really depends on that. Okay, okay. And ma'am, also we heard like less sleep, agar aap kam sote ho to bhi aapko cancer ho sakta hai, agar aap apni sleep puri nahi karte ho to bhi aapko cancer ho sakta hai, so is it right? No, it is not, thankfully. So less sleep, jisko hum insomnia bolte hain, yes it can cause various problems, jaise aapka mentally thakavat ho sakti hai, aapko aur kisi tarah ki problems ho sakti hain jaise chidchidapan, but thankfully it does not cause cancer. मैम, जो थर्ड मिथ सामने आता है वो ये है कि कैंसर स्प्रेड्स जेनेटिकली, लाइक अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो भी आपको कैंसर हो सकता है, सो इज इट राइट और नो? या सो इट इज़ नॉट कम्प्लीटली ट्रू, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली फॉल्स ऑल्सो। तो हमारी बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली अप टू 10% जो कैंसर्स होते हैं वो हेरिडिटरी होते हैं, यानी कि अगर आपके कोई ऐसी डिफेक्टिव जीन है जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, यानी कि चिल्ड्रन में ट्रांसमिट हो सकती है, ये होता है अराउंड 10% कैंसर्स में। फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रेस्ट कैंसर का अगर हम एग्जाम्पल लें तो BRCA1/2 जीन्स होती हैं जो कि आपकी फैमिली में पास आउट हो सकती हैं। मेडुलरी कैंसर में कुछ स्पेसिफिक म्यूटेशंस होते हैं जेनेटिक लेवल पे जो पास ऑन हो सकते हैं, बट दिस इज़ ओनली यू नो अब कहना चाहिए वैलिड है आपके अराउंड 10% केसेस के लिए। 90% ऑफ द कैंसर दे आर नॉट हेरिडिटरी। ओके, एंड ऑल्सो लाइक विल लाइक ईटिंग शुगर कैन कॉज कैंसर, अगर बहुत ज़्यादा हम मीठा खाते हैं तो हो सकता है? हाँ, ये एक्चुअली मिथ है जो सिर्फ समहाउ मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों में ये समहाउ है, बट ये ट्रू नहीं है। डायबिटीज़ अगर है या नहीं है वो अलग बात है, लेकिन लोग ये भी सोचते हैं कि डायबिटीज़ नहीं भी है, किसी को कैंसर आ गया तो उसको शुगर बंद ही कर देते हैं, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। देखो, कोई भी चीज़ हम कंज्यूम करते हैं इवेंचुअली तो वो ग्लूकोज में, फ्रक्टोज में, यू नो इस सब में ही ब्रेक डाउन होती है, तो अपने आप शुगर खाने से ना तो कैंसर बढ़ता है और ना ही ये इसको जन्म दे सकता है। ओके, आई थिंक इट्स अ बिग मिथ व्हिच इज़ बस्टेड राइट नाउ। ऑल्सो मैम, हमारी पॉजिटिव या फिर नेगेटिव अप्रोच लाइफ को लेकर या फिर हमारा जो एटीट्यूड है वो कैंसर के रिस्क को कम या ज़्यादा करता है? सी, एज सच पॉजिटिव और नेगेटिव एटीट्यूड कैंसर का रिस्क फैक्टर है या उसकी वजह से कैंसर इम्प्रूव हो सकता है पॉजिटिव थिंकिंग से या नेगेटिव थिंकिंग से वर्स हो सकता है, ये ट्रू नहीं है। टू सम एक्सटेंट
मतलब अपने आप में अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ, जैसे कोई स्मोकर है, चेन स्मोकर है, बहुत सिगरेट लेता है, बहुत बीड़ी पीता है, और वो ये सोचता है कि वो पॉजिटिव एटीट्यूड रखे कि भाई मुझे तो कभी कैंसर हो ही नहीं सकता, मैं चाहे कितनी भी ले लूँ, दिस इज़ नॉट अ राइट एटीट्यूड। सिमिलरली अगर कोई पेशेंट है, भले ही वो स्टेज वन का पेशेंट है जो कम्प्लीटली क्योर हो सकता है, लेकिन अगर वो ये नेगेटिव एटीट्यूड रखता है, मैं क्यों कराऊँ सर्जरी, मैं क्यों कराऊँ कैंसर ट्रीटमेंट, मुझे तो कैंसर हो ही गया है, मुझे तो मरना ही है, सो दैट इज़ ऑल्सो नॉट यू नो करेक्ट। सो इन अ वे येस दे समहाउ अफेक्ट द पेशेंट्स ओवरऑल वेल बींग, वेदर यू हैव पॉजिटिव और नेगेटिव, बट वी कांट से दैट मतलब कोई अगर स्टेज फोर है, एंड स्टेज है, ट्रीटमेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, अगर वो पॉजिटिव थिंकिंग रखे तो वो इम्प्रूव हो जाएगा, दैट इज़ नॉट द केस। एग्जैक्टली मैम, एंड ऑल्सो फीमेल्स में बहुत ज़्यादा घूमती है चीज़ कि इफ यू आर वियरिंग ब्रा सो मच लाइक ऑल द टाइम सो इट कैन ऑल्सो कॉज कैंसर। नहीं, इट डजंट, इट डजंट। ओके, सो मैम नेक्स्ट मिथ जो है वो ये है कि डू सेल फोन्स कॉज कैंसर, सेल फोन्स अगर आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तो? सो अगेन देर इज़ नो एविडेंस, मतलब ऐसी कुछ हुई हैं पॉपुलेशन स्टडीज जिनमें 20-25 साल तक आपने यू नो किया है, अब तो इतना टाइम हो गया है, तो ऐसे कोई स्ट्रॉन्ग लिंक मिला नहीं है। कंसर्न ये रहता है कि सेल फोन भी लो इंटेंसिटी रेडिएशन हैं तो शायद ये कुछ ना कुछ कैंसर कर सकते हैं, बट वी हैव नो एविडेंस रिगार्डिंग इट। सो फार यस दे डू नॉट कॉज कैंसर। ओके, एंड ऑल्सो कैन कैंसर सर्जरी और अ ट्यूमर बायोप्सी कॉज कैंसर टू स्प्रेड इन द बॉडी? ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट कहना चाहिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, बिकॉज पेशेंट चाहे कितना भी जो मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है, हमेशा ये एक मिथ रहता है, बायोप्सी करने से पहले पेशेंट हमेशा पूछते हैं कि मैडम कहीं ये पूरी बॉडी में फैल तो नहीं जाएगा, विच इज़ टोटली, आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट ऑल्सो दिस इज़ कम्प्लीटली मिथ, बिकॉज सी वॉट वी डू इन वाइल टेकिंग बायोप्सी, वी जस्ट टेक अ स्मॉल पीस ऑफ योर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डिजीज़। अगर आपको कोई 4 सेंटीमीटर का कोई घाव है, कोई ट्यूमर है, उसमें से हम 2-3 मिलीमीटर ले लेंगे तो वी आर नॉट डूइंग एनी हार्म, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब तक हम ये बायोप्सी करके प्रूव नहीं करेंगे कि ये कैंसर है, किस टाइप का कैंसर है, तब तक हम आगे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर ही नहीं सकते। तो प्लीज़ दिस इज़ अ टोटल मिथ कि बायोप्सी करने से या सर्जरी करने से कैंसर फैलता है। ओके, एंड मैम जो लास्ट हमारे पास मिथ है वो ये है कि जो हर्बल प्रोडक्ट्स होते हैं दे कैन क्योर कैंसर, ऐसा सुनने में आता है, सो इज इट राइट? एक्चुअली यू शुड बी आस्किंग द पीपल हु आर मेकिंग और क्लेमिंग दैट हर्बल प्रोडक्ट्स दे डू क्योर कैंसर, दिस इज नॉट माई एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, बट आई वुड से दैट यूजली ऐसा, क्योंकि यूजली पेशेंट्स दे आर स्केयर्ड ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऐसे आते हैं जो ऑलरेडी इन सब प्रोडक्ट्स को यूज़ कर चुके होते हैं, महीनों तक खा रहे होते हैं, और जब हमारे पास पहुंचते हैं तो वो ऑलरेडी एडवांस स्टेज में होते हैं। Okay. मैंने अपने एक्सपीरियंस में आई हैव नॉट फाउंड देम बेनिफिशियल, सो आई वुड नो नॉट रिकमेंड टू गो फॉर हर्बल प्रोडक्ट्स। सो मैम ये थे कुछ मिथ्स और मिसकंसेप्शंस लोगों के जो पूछे जाते हैं हर जगह, एंड आई एम होपिंग कि अब लोगों को उनका आंसर मिला होगा और एक सही राय, एक सही सजेशन मिला होगा। सो मैम सेकेंडली हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, सो आई विल बी आस्किंग यू।